मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी भाषी देश के होनहार बेटों बेटियां तो नहीं है, आप सबों का नमस्ते। योग विद्या में हम नमस्ते बोलते हैं। नमस्ते का मतलब होता है कि हर व्यक्ति में अद्भुत शक्ति है, उस शक्ति को हम नमन कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? शक्ति को नमन कर रहे हैं। जैसे इस्लाम में बोलते हैं कि केवल अल्लाह जो सब सर्वशक्तिमान है उसी को हम सिजदा करते हैं, समझ रहे हो? लेकिन हिंदू धर्म में हर व्यक्ति में अल्लाह की तरह ताकत है, समझ रहे हैं क्या? तो हम भी अल्लाह को ही नमस्ते बोलते हैं, आप में जो अल्लाह है, समझ रहे हैं क्या? इस्लाम में ऐसा अल्लाह नहीं है, इस्लाम में एक ही अल्लाह है। लेकिन जो हिंदू धर्म है उसमें जैसे राम एक ही व्यक्ति थे तो भगवान हो गए ना, कृष्ण एक व्यक्ति थे तो भगवान हो गए ना। तो जो व्यक्ति विचारों से महान हो जाता है वो भगवान होता है हिंदू में, समझ रहे हो क्या? इसीलिए हिंदू में देखोगे हजारों हजारों भगवान है कि नहीं, विचार से, क्या से? हाँ, शरीर से कोई भगवान नहीं होता, विचारों से। अब राम के बारे में कितना भी राम राम करो लेकिन उनके गुण को देखो, करेक्टर को देखो, उस तरह से बनो आप ही भगवान। भगवान का मतलब जो बहुत ही ज्ञानवान हो, क्या हो? ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान, मानवता के कल्याण के लिए जिए और मानवता के लिए मरे, वही इंसान इंसान होता है। खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई याद में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल में पराइयों के लिए, समझ रहे हो ना? तो आज आप लोग परमार्थ की सेवा के लिए आए हो, हम आभारी हैं मिस्टर BSP राव साहब का और हमारे डायरेक्टर जो हैं कैरोस के IPS ऑफिसर CV राव साहब का, और यहाँ जो हमारे बहुत सारे महान पुरुष हैं सबों का आभारी हम लोग हैं, और सबसे उत्तम सर्वोत्तम मानव रत्न डॉक्टर GV कृष्ण रेड्डी साहब का भी हम आभारी हैं। वो हमारे चेयरमैन हैं, मालूम है क्या? GV के ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं डॉक्टर GV के रेड्डी साहब, समझ गए ना? उनका भी हम आभारी हैं, समझ रहे हैं क्या?